हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये जो फ़ैन है, हम इसकी बाइंडिंग को चेक करते हैं और बताते हैं कि बाइंडिंग कैसे चेक करते हैं। और दोस्तों, ये पंखा ये बहुत ही स्लो चल रहा है और इसकी बाइंडिंग बाहर से चेक करने पर सीज से बिल्कुल सही दिखा रहा है, पर फिर भी इसमें स्पीड कम है। और इसमें 3.15 का कंडेंसर भी लगा दिया गया, फिर भी इसकी स्पीड कम ही थी, लगभग आधी स्पीड या उससे भी कम स्पीड थी इसकी। तो दोस्तों, अभी इसमें हम चेक करते हैं कि बाइंडिंग सही है कि नहीं इसकी, और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, और ये पंखा हमारा स्लो क्यों चल रहा है। इसकी बैरिंग भी बिल्कुल ठीक है, बैरिंग में कोई जाम नहीं है, इसकी बिल्कुल ठीक घूम रही है, और बाइंडिंग भी बाहर सही दिखा रहा है। तो आइए पहले बाइंडिंग को चेक करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं कि बाइंडिंग क्या दिखा रहा है ये, और इसके बाद हम इसमें अंदर खोल के भी चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इस तरह से हम फ्रिज का प्लग ले लेंगे और फ्रिज वाले पॉइंट में हम इसको लगाएंगे और ऑन करेंगे, तो ये हमारा फ्रिज बल्ब ये जल रहा है। सबसे पहले हम किसी भी दो तार में, यहाँ पे तीन तरह के वायर हैं, रेड वायर, येलो वायर और ब्लैक वायर, तो हम किसी भी दो तार में पहले हम इसे टच करेंगे और देखेंगे कि ये क्या दिखा रहा है। फ्रिज में बल्ब हमारा हाफ ग्लो करना चाहिए या उससे कम। दोस्त, ये हमारा ब्लैक और रेड के बीच में बल्ब हमारा हल्का ग्लो कर रहा है, यानी कि बाहर से ये सीरीज सही दिखा रहा है। अब हम इस ब्लैक के साथ हम येलो को टच करेंगे, तो ये हमारा बल्ब हमारा तो हल्का जल रहा है और हमारा फैन भी घूम जा रहा है अपने आप। और अभी हम रेड और येलो के साथ चेक करते हैं, तो ये भी सीरीज दिखा रहा है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे रेड के साथ हमारा ये ब्लैक के साथ हमारा कम सी दिखा रहा है, और येलो के साथ हमारा ये बल्ब ज़्यादा तेज़ चल रहा है, जो कि दोनों में काफ़ी अंतर है, इतना अंतर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा रेड वायर कॉमन है, और वो कैसे पता करते हैं, देखिए, और वो ऐसे पता करते हैं कि मान ली हम एक तार हम ब्लैक में लगाए हैं और दूसरा तार हम येलो में लगाते हैं, तो ये हमारा बल्ब इसके साथ बहुत ही कम जलता है। दोस्तों, ये हमारा फ़ैन अपने आप ऑटोमेटिक घूम जा रहा है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। वैसे येलो और ब्लैक के साथ ये बहुत ही कम जल रहा है। तो इस तरह से हमारा जिन दो तारों के बीच सीरीज बल्ब हमारा सबसे कम जलता है, तो उन दोनों तारों को छोड़ के जो हमारा तीसरा वायर होता है वो हमारा कॉमन वायर होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा रेड वायर कॉमन वायर है, तो कॉमन के तार के साथ हमारा ब्लैक और येलो का जो सीरीज दिखाता है वो लगभग बराबर दिखाना चाहिए या हल्का सा कम या ज़्यादा, पर यहाँ पे रेड जो हमारा कॉमन वायर है ब्लैक के साथ तो ठीक दिखा रहा है, पर जो हमारा येलो के साथ है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा तेज दिखा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आइए देखते हैं कि ये क्यों दिखा रहा है ये। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा जो इसका वाइंडिंग है, जो हमारी स्टेटर में वाइंडिंग है, इसमें हमारी जो बाहर की वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग, और ये अंदर की वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो रनिंग वाइंडिंग है वो ठीक है, थोड़ा सा काला है, पर जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो बहुत ही
ज़्यादा काला हो गया, ये हमारी बाइंडिंग हीट हो गई है। दोस्तों अब इसमें हमारा बाइंडिंग से जो हम ये सीरीज चेक करते हैं वो दिखा तो रहा है, पर हमारा जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है इसमें हमारा पीला वायर जुड़ा था, तो ये हमारा रेड के साथ हमारा जो पीला वायर का जो कनेक्शन दिखा रहा था वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, क्योंकि ये बाइंडिंग हमारी जलकर ये शार्ट हो रही है। और दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें 3.15 का कंडेंसर लगा हुआ था, आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसके साथ का कंडेंसर है और इसमें 3.15 का कंडेंसर लगा था, जिसके कारण ये हमारा पंखा स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी इसकी हीट हो गई है और ये जल गई है। कभी कभी 2.5 कंडेंसर से भी हमारी बाइंडिंग कभी कभी हीट हो जाती है, जब पंखा बहुत ज़्यादा चल जाता है या हीट हो जाता है तो उससे भी हमारी बाइंडिंग कभी कभी इस तरह से जल जाती है, पर ये जो जला हुआ इसमें 3.15 का जो कंडेंसर लगा है इसी कारण ये ज़्यादा जला है। तो दोस्तों आप पंखों में हमेशा 2.25 या फिर 2.5 का ही कंडेंसर लगाइए, और 3.1 लगाने से आपके पंखे की यही हालत होगी जो इसकी हुई है। तो दोस्तों अब ऐसी कंडीशन में हमें इसकी नई बाइंडिंग ही करनी पड़ेगी, तभी हमें इसमें स्पीड मिल पाएगी, और बिना बाइंडिंग के ये हमारा पंखा नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों बाहर से देखने में सीरीज सही दिखा रहा था, पर ये पंखा अंदर से ठीक नहीं था, इसकी बाइंडिंग ख़राब हो चुकी है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।